जेलन अस्पताल में इलाज कराने आई युवती से नर्सिंग कर्मी ने किया दुराचार। युवती के परिजनों ने सदर कोतवाली थाने में दर्ज कराया मुकदमा। सीओ नॉर्थ छवि शर्मा ने किया मौका मुआयना। पुलिस अपराध शाखा द्वारा जुए सट्टे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सटोरियों के खिलाफ कार्रवाई। सीओ नॉर्थ छवि शर्मा के निर्देश पर लोडा धर्मशाला के पास से दो सटोरियों को किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय बजरंग दल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। भारत की एकता और संप्रभुता से खिलवाड़ करने वाले समुदाय विशेष के लोगों पर कार्रवाई की मांग। वार्ड 68 बापूनगर में आवारा कुत्तों का आतंक। क्षेत्र की महिलाओं बुजुर्गों बच्चों को काटकर कर चुका है घायल। एक परिवार कुत्तों को दे रहा है संरक्षण। माली सेना ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। नागौर जिले के पादुकला थाना क्षेत्र में समाज की लड़की को भगा ले जाने वाले धर्म विशेष के लड़के को गिरफ्तार करने की मांग। टाटा पावर द्वारा ऑनलाइन मीटर रीडिंग। होटल संचालकों को 4 से 5 गुना बड़ी राशि के बिजली के बिल मिलने से आक्रोश। उपभोक्ताओं का हाथीबाटा स्थित टाटा पावर ग्राहक सेवा केंद्र पर फूटा गुस्सा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मार्टिंडल ब्रिज श्रीनगर रोड तोपदड़ा वाया पालपिछला बनने वाली सड़क के लिए सामाजिक समाघात शिविर। सामाजिक समाघात समिति में एडीए के अधिकारियों ने खातेदारों से मुआवजे हेतु लिखित सहमति व असहमति के साथ मांगे सुझाव। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 के लिए 18 जून तक कर सकते हैं आवेदन। आगामी 19 जून से शहरी क्षेत्र के गरीबों को उपलब्ध होगा रोजगार। शाही सोमलपुर में बाबा बादाम शाह की दरगाह पर मनाया जा रहा है भक्त समिति द्वारा बाबा निजामुल हक साहब का उर्स। 2 दिवसीय उर्स के दौरान अजमेर सहित ग्रामीण अंचलों में राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात से बड़ी संख्या में जायरीन हुए शामिल। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के तत्वावधान में 40 से ज्यादा व्यापारिक संघों के अध्यक्षों ने महापौर व आयुक्त को बताई पीड़ा। व्यापारिक संगठनों को आ रही समस्याओं पर चर्चा कर समाधान के लिए सौंपा 16 सूत्रीय मांग पत्र। किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष व यात्रा संयोजक बलदेव मेहरिया के नेतृत्व में किसान कल्याण कामेष्ठी यज्ञ शुरू। 12 जून से राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में शुरू हुई 100 दिवसीय किसान यात्रा। प्रदेश में प्री मानसून के चलते अजमेर में भी हुई झमाझम। अगले 24 घंटों में प्री मानसून के एक्टिव रहने से होगी बारिश।